विदेशी बाजारों में सामान्य कारोबार के बीच देश भर के तेल तिलन बाजारों में शुक्रवार को तेल तिलन की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई। सरसों, मूंगफली तेल तिलन और सोयाबीन तेल सहित अधिकतर तेल तिलनों की कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रही। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग आधा प्रतिशत की तेजी रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज बृहस्पति रात सुधार के साथ बंद होने के बाद फिलहाल उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सोयाबीन के किसान नीचे भाव में अपनी फसल बेचने से बच रहे हैं, जिससे सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव में सुधार आया है। उनका कहना है कि पामोलिन के मुकाबले सोयाबीन जैसे हल्के तेलों के सस्ता होने से पामोलिन की मांग प्रभावित हुई है। इस वजह से CPO और पामोलिन तेल की कीमतें नरमी के साथ बंद हुई। क्या आपके घर पे नहीं है सामान और आने को है मेहमान, तो किस बात की है टेंशन जब बिग ब्लिस है अपने पास। सूत्रों का कहना है कि हल्के तेलों के मुकाबले पामोलिन का आयात करना महंगा सौदा बैठता है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि सामान्य कारोबार के बीच सरसों एवं मूंगफली तेल तिलन, सोयाबीन तेल, बिनौला सहित कई अन्य तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। उनका कहना है कि सरसों को तेल तिलनों के शुल्क में कमी किए जाने के बाद कीमतों में गिरावट आई का लाभ आम उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए जो निरंतर तेल तिलन कीमतों को घट पर नजर रखे, बाकी तेल तिलनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।